सुलेमान राजा विनती करलाए जे खान को मंदिर के प्रतिष्ठा करलाए जेके ओकर आबा ईश्वर ओकर आबा के कह रहा है कि तोर बेटा मोर लगे मंदिर के प्रतिष्ठा मोर लगे। जिसे एंट्री करते ही आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा देखने को। जिस खंडदार मेरा हालत खराब हो गया, खंडदार मेरा हालत खराब, एक खंडदार थोड़ा शक्ति दे दो, बच्चा लोग का जोश में बूढ़ा लोग आया तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ फिर से अनदर ब्लॉग में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोई अच्छे ही रहोगे और मैं तो अच्छा ही हूँ। और आज हम लोग निकल चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को कल बताए थे कि बूढ़ा भुई खंडदर में एक ठो चर्च का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं सब कोई। तो हाय थोड़ा बोल दो सब कोई, हाय देखो, और उधर अंकि। तो अभी पूरा दो ठो गाड़ी में निकल जाएंगे, पूरा डायरेक्ट अभी जाएंगे, सुबह सुबह जल्दी निकलना है, टाइम भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखे ये रहा टाइम, तो करीबन 5:10 हो चुका है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलो जल्दी जाएंगे वरना लेट हो जाएगा ना, पहुंचेंगे नहीं, शायद वही 7 बजे तरफ आज का मिसा रखा हुआ है। तो फ्रेंड, हम लोग अभी ललई चौक पहुंच चुके हैं और जो उधर रास्ता गया है वो वाला तो जाएगा हम लोगों का बारीपदा साइड, और आधा लोग तो वहाँ नाश्ता कर रहे हैं, होटल में हो रहा है वहाँ पे, देखिए जो कि नाश्ता कर रहे हैं सब कोई। और हम लोगों के साथ और कोई भी एक ठू एक गाड़ी में कोई होगी है, देखो ठूस रही है, देखो गाड़ी में देखो किसे खरा खा रही, मेरे को दे ही नहीं रही है मोटी घूसरी। तुम तो खा नहीं रहा है, हम तो दे रहे हैं। कहाँ दी ले बोल के नहीं बोली, डाइटिंग और वाइटिंग कुछ नहीं। तो मेरा खाना पीना कुछ दूसरा ही है, इधर है मेरा, तो ये रहा ये रहा। तो अभी यहाँ से तुरंत नाश्ता के बाद निकल जाएंगे यहाँ से भी, तो चलो अभी हम लोग खाना नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को न्यू चर्च भी देखना है ना, तो और ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। एक एमओटी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा बता? अरे मेरे को भी खुद को पता नहीं, मेरे तो मामू घर होते हुए मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं बचपन में आना जाना ज्यादा कर रहा था। तो चलो तब तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को चर्च घर भी देखना है। तो तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच ही चुके हैं जो कि खंडदर बोल सकते हैं, ज़्यादातर तो यहाँ पे खंडदर बोल के इंसान लोग जानते हैं। तो ये रहा चर्च घर जो कि आज का इनॉग्रेशन होने वाला है, और हम लोग के साथ अभी जुड़ चुका है हम लोग का मोटू। हाँ। और कैसा है? अच्छे हैं। देखो हम लोग का ये मोटू है जो कि समोसा खा के ज़्यादा ताकत बढ़ाता है ये, है ना मोटू? हाँ। तो अभी तो बहुत प्रोग्राम है और शायद उधर से जो लोग की आज का जो चर्च का जो प्रोग्राम है उस समय शायद कुछ कुछ प्रवेश सब नाचेंगे, वो सब शायद पहने हुए हैं, और इधर सर भी आ रहे हैं, इधर कार सब में भी आ रहे हैं, बोलेरो सब में आप लोग देख सकते हैं। और आज का मिसा पूजा होने जा रहा है, इधर जो मेरा पीछे तरफ आप लोग देख सकते हैं जो कि टेंट बंधा है, मतलब टेंट लगा हुआ है वहाँ पे, और अगर कुछ ही देर में हम लोग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ के हम लोग का बिशप स्वामी को हम लोग जहाँ पे कि हम लोग वेलकम करके लाएंगे, तो चार्ज घर हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं और अभी हम लोग बिशप स्वामी जी को स्वागत करने जा रहे हैं जो कि दिखाई दे रहा है वहाँ पे भीड़ जमा हुआ है, और वहाँ से हम लोग अभी बिशप स्वामी को वहाँ से हम लोग स्वागत करके लेंगे चर्च की तरफ।
सो फ्रेंड, अभी तो हम लोग बिशप स्वामी को वेलकम कर चुके हैं और थोड़ा में हम लोगों का मिसा पूजा भी आज का शुरू होने वाला है। तो मिसा पूजा हम लोगों का शुरू होने वाला है, तभी बताए थे जैसे कि इधर। तो चलो अभी उधर ही जाते हैं और कुछ बोले हैं कुछ या क्या कुछ बेंच टाइप का लगाना, उसको जरूरी है सबको लगाने। तो चलो थोड़ा उसको भी लगा लेते हैं। चलो ये हम लोग का भी मिल चुका है, क्या बोल सकते हैं इसको, कौन सा नाम क्या है चर्च का, देखो नाम क्या है, चर्च का नाम ही नहीं लिखा। तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा से लगा यार। गिफ्ट मिल चुका है और अभी आदि आदि बाबू को हम लोग का मिल चुका है, वो भी लगा चुका है।
ये जगह पे हमने मंदिर माता चर्च के बुढ़ाई के नाम दे आयो मरियम इसनिया जनता हमारी यहाँ बहेला उसने लूट में झगड़ा बहेला और वहाँ बहुत चंगाई हुआ प्राप्त करना और उनका प्रभु चीन चमत्कार माता मरियम की प्रार्थना और उपस्थिति और सहायता के द्वारा आमंत्रित है ईश्वर के महान कार्य के संपन्न करना उकल गे इस जगह में हमरे मान एक जगह के नामकरण दे लोट माता चर्च चलो अहे आयो के मध्यस्थता से विनती करा कि एक जगह अहे लोट माता के विशेषता प्रतीक और सहायता हमरे मान एक जगह में विनती करे के द्वारा पाते रहा आयो मरियम इस जगह में उपस्थित इस जगह में उपस्थित रहे उकल ज्ञान सहायता दुनिया में रौरे लगे में औपे हो परमेश्वर ईश्वर न खाई
रो रहे हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की। इसे कहते वो परमेश्वर के वो संबोधित करते हुए कह रहे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मात्र ईश्वरी दुनिया में आए, उकार बिना और के हो न खाए, और अहे ईश्वर हमरे बल के सृष्टि कही रहे अपन प्रतिरूप हिसाब से जेकन बना रहे अपन प्रतिरूप अपन जीवन के दलाई अपन सांस के फूक जलाई जे का द्वारा हम अपने ईश्वरीय जीवन के प्राप्त करा ईश्वर हमर में जीवाई हमें ईश्वर चाहते जिए परा उकल लगन आज के समारोह में सर्वप्रथम हम सोकर बुलावा होएल कि हमरे मन के से ईश्वरीय जीवन ईश्वर के प्रतिरूप बना पूजा तो खत्म ही हो चुका है और अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का चर्च घर। बाहर से तभी दिखाई दिए थे, अभी अंदर जाएंगे। अंदर में उसका मतलब कि नया गिरजाघर है तो उसका डेकोरेट कैसा है, कितना मस्त बना है सुनने को तो मिला था, बहुत अच्छा है। तो अभी आँख से ही देखेंगे क्योंकि आजकल कोई बिना देखे विश्वास नहीं करता है ना। तो चलो अभी अंदर जाएंगे और हम भी देखेंगे और आप सभी को भी देखेंगे। तो चलो अभी अंदर जाते हैं।
अच्छा घर कैसे बनाए हैं। तो चलो हम लोग अभी सबको ही जा रहे हैं, पापा और हम की सिखा रहे हैं उनका। तो चलो अभी जाते हैं गिरजाघर। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग चर्च के अंदर आ ही चुके हैं और देखते हैं अभी यहाँ का पूरा कितना मस्त सजाए हुए हैं और कलर भी बहुत ही मस्त है। और इधर माँ आपको कितने लगुच है, मैं गिरजाघर देखी थी और ये है माँ का नैहर। तो पहले कैसे आपको कितने चर्च थी मैं तो पहले पूरा माटी घर का था, अभी पूरा मस्त बना दिए हैं। तो इधर आदि देखो और कितना मस्त पूरा फोटो उठाने के लिए तरस रहा है। तो बहुत ही मस्त बनाए हैं और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये चर्च घर का डेकोरेट, यानी कि कैसे बनाए हैं। और वेदी का बात करें तो यहाँ पे हम लोग का है वेदी जो कि ये है, और पीछे मतलब कि फ्रंट भी कितना मस्त दिखाई दे रहा है। और इधर मरियम हैं तो बहुत सुंदर है दिखाई दे रहा है चर्च घर। और मतलब क्या बोलते हैं, एक ठो मंडली जैसे नहीं लग रहा है, जैसे अंदर आओगे तो ऐसा लगता है कि एक ठो पारिसी है जैसे लगता है। तो अभी तो ग्राम का मौसम है इसी वजह से थोड़ा क्या ही बोले, फिर भी बहुत ही मस्त है। धीरे धीरे सब कुछ रखना आया है फिर से, और कुछ कुछ और शायद आज करने वाले हैं कुछ कुछ। चलो अभी हम लोग भी एक दो थोड़ा फोटो उठा ही लेते हैं। सो फ्रेंड हम लोग अभी क्या कर रहे हैं इतना धूप में, तो पेट ठंडा के लिए कुछ बस बर्फ टाइप का लाए हैं आइसक्रीम, बस कलर बस खाली है और थोड़ा बहुत मीठा है, चीनी मिला दिए हैं बस। और आदि लोग तो आज बहुत फायदा मार रहे हैं, इधर उधर फटाक फटाक खाली खा रहे हैं आदि और मोटू हम लोग का। और अभी इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा खंडदर घूमने जाएंगे, जबकि पापा गए हैं अमित को लाने के लाने, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरा फैमिली पूरा आज खंडदर घूमने। तब तक आप लोग बने रहिएगा, तब तक हम लोग थोड़ा आइसक्रीम भी खा लेते हैं। सो फ्रेंड इधर अभी छोटा सा एक ठो स्टॉल बोल सकते हैं, स्टॉल तो नहीं मार्केट बैठा हुआ है छोटा सा, और बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ शायद यहाँ पे लगाए हैं। चलो हम लोग थोड़ा मार्केट में घूम ही लेते हैं, यहाँ पास में ही देखिए। और इधर माँ लोग देख रहे हैं क्या खरीदेंगे पता नहीं। कौन सा खरीदोगे माँ, कौन सा खरीदोगे? खरीदेंगे नहीं पता नहीं, बस देख रहे हैं। सो 220 रुपया है। और इधर चलो हम थोड़ा सा मार्केट दिखा देते हैं आप लोगों को। आओ आओ इधर गाड़ी सब आया हुआ है रे, इतना बड़ा बड़ा रूमाल। अरे इधर ये माला सब भी है। अभी हम लोग थोड़ा खंडवर घूमने जा रहे हैं सबको इधर उधर, और हम लोग के साथ जुड़ चुका है हम लोग का अमित बुढ़ू। और अभी हम लोग थोड़ा खंडवर थोड़ा घूम के आएंगे। ठीक है मेरे पास तो नंबर है, मैं कॉल करूंगा। तो चलो बैठो, कौन कौन वो गाड़ी निकलाओ। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा अभी जाएंगे, आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ दिखाएंगे खंडदार का। सो फ्रेंड अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ खंडदार के पास में, देखिए अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं खंडदार वाटर पूल की तरफ। तो चलो जाते हैं अभी। हम लोग अभी एंट्री कर ही चुके हैं और इधर जैसे एंट्री करते ही आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा देखने को, जैसे कि फोटो में जैसे दिखाई दे रहा है वैसा ही अंदर में भी है। तो कुछ ऐसी दिक्कत का बात नहीं, इधर हम लोग का है वहाँ लोग आ रहे हैं सबके भी, मतलब क्या बोलते हैं अंदर नहीं गए और पानी पियासी लोगों को शुरू हो गया है।
तो इधर प्लास्टिक का चीज़ें यूज करना थोड़ा मानना है, तो चलो भी जाते हैं। और हम लोग का मोटू भाई तो आगे चला गया, उधर आधा दूर तो आ ही चुके हैं, मतलब कि इधर आके तो, और यहीं से दिखाई दे रहा है जहाँ से पानी गिर रहा है ऊपर से। और हम लोग अभी कोशिश तो नहीं करेंगे कि मतलब कि जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि दिखाई दे रहा है पास में है पर बहुत दूर है, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तो नहीं। बस यहीं सब में बस मजे लेंगे, और उधर एक छोटा सा पार्क है वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे और क्या। और इधर जरूर यहाँ पे मछली सब तो पक्का रहेंगे, यहाँ पे जरूर रहेंगे मछली सब, तो वहाँ पे तो नहाने के लिए भी मस्त है। इंसान लोग छलांग लगा रहे हैं, फिर हम लोग का भाई लोग भी आए हैं, तो ये लोग भी प्रोग्राम में आए थे पर पास में खंडदर तो क्यों छोड़े ना, इसलिए लोग आ गए हैं घूमने। तो उधर माँ लोग तो अभी तक तो आ ही नहीं रहे, देखो कितना पीछे में चल चल के अभी आ रहे हैं। और अभी मैं बस आगे नहीं, मेरा से आगे मोटो और अंकित चल चल के जा रहे हैं। सो फ्रेंड, हम लोग जो सोचे थे वो चीज एक चीज तो नहीं हो पाया, हम लोग बहुत धूप लग रहा है। अभी क्या करेंगे, जो कि इधर एक पार्क है यहाँ पे, जो कि वो साइकिलिंग वाला है, वो भी अंदर में है पर हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता में यहाँ साइकिल नहीं चलता है, यहाँ पे तार का ऊपर ऐसे कुछ वायर का ऊपर में साइकिल चलता है, तो ये चीज भी हम लोग अभी दिखाने नहीं पाए, यानी हम लोग भी अटेंड करने नहीं पाए। हम सोचे थे साइकिल यहाँ आके चलाएंगे थोड़ा सा थोड़ा वायर में, तो वो चीज़ नहीं हो पाया। तो चलो क्या करेंगे, थोड़ा तो ऊपर जी बना तो अच्छा, सब सबको अभी पूरा अभी तो सोच रहे थे नहीं जाएंगे पर अभी सबको नहीं आए हैं तो पहुंच के मतलब कि आए हैं तो जाके ही देखेंगे। तो चलो अभी जाएंगे ऊपर ऊपर तरफ, और इधर जो हाँ दिखा रहा देखिए बोना भाजी, इधर हम लोग का होता है बोना भाजी, उधर मस्त जगह है। सो अभी हम लोग सीढ़ी में चल चल के जा रहे हैं, इधर आदि और पीछे पापा लोग है, और मोटो और अंकित तो पूरा दौड़ दौड़ के चलेगा आगे में, और हम लोग का भी बहुत दूर भी चल चल के जाना है। देखिए कितना ऊंचा है, मात से थक चुके हैं, देखो किसे आ रहे हैं, देखो देखो बेचारी माँ आदि, बाबा रे आदि को तो क्या भूत चढ़ गया पता नहीं, दौड़ दौड़ के एक बार दौड़ रहा है एक बार चल रहा है। चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों के साथ, तो पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ पे। सो फ्रेंड, हम लोग फाइनली जहाँ पे हम लोग को पहुँचना था वहाँ तो हम लोग पहुँच ही गए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे तरफ जो कि पानी जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे पहुँच गए हैं, पर यहाँ आके हम लोग का हालात खराब हो गया है। और इधर देखो, इधर मेरा साइकिल का छापा भी छप चुका है, तो कचड़ा कचड़ा। और इधर आधी, और इधर अंकी, और उधर मोटू हो रहा, अंकी और मोटू पहले यहाँ आ रहे थे पर उन लोगों का हम ओवरटेक किया और हम फर्स्ट पहुँचे यहाँ पे, मतलब हम लोग का ग्रुप में जितना आ रहे थे, और आधा लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे नीचे, पता नहीं कब पहुँचेंगे। चलो तब उन लोगों को तब तक इंतजार कर रहेंगे, वो लोग आएंगे तो जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ कोशिश करेंगे जाने के लिए। गर्म तो मत बोलो यार। तो फ्रेंड, अभी पापा पहुँच ही रहे हैं, देखो कैसे हालात खराब हो चुका है, कैसे आ रहे हैं देखो हालात खराब हो गया, खंडदार मेरा हालात खराब हो गया। एक खंडदार थोड़ा शक्ति दे दो, बच्चा लोग का जोश में बूढ़ा लोग आया तो हालात। और माँ कहाँ है, पापा बहुत पीछे पूरा डैमेज हो गया उसका, थिमना डैमेज, उसका चक्का पंचर हो चुका है सर, चक्का पंचर हो गया। अभी आ रहे हैं, देखते हैं वो लोग भी कैसे आते हैं। सो फ्रेंड, अभी माँ का परी है, देखो कैसे आ रहे हैं हालत पंचर हो गया, देखो देखो पहुँच गए माँ, देखो 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 दादा का रुमाल थोड़ा देखो मम्मी, मेरा रुमाल देखो, मेरा शक्ल छप गया है, ये रहा मेरा इतना सुंदर शक्ल। तो चलो वहाँ तो अभी जाएंगे थोड़ा उधर जाएंगे, अभी वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा और थोड़ा फोटो भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाबा ऊपर गए हैं, चलो हम लोग उधर जाते हैं। और अभी हम लोग जहाँ पे कि पूरा पानी गिर रहा है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, पर अब पहले ये वाला नहीं था, वहाँ पे हम लोग नहा रहे थे जब पहले, उस टाइम मेरा मोबाइल नहीं था उस टाइम, और मैं मेरा यूट्यूब चैनल में नहीं था इसी वजह से नहीं बनाया था, और
पापा आ रहा है उधर तरफ से देखो। पहले ये लग नहीं था इतना मस्त था, सोचते नहा रहे थे पर बहुत क्या बोलते हैं बहुत डेंजर चीज सब हो रहा था, इस वजह से इसको छेड़ते हैं और उधर भी पानी का जगह में नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक लाद है जो वहाँ पे छपरी का वहाँ पे तो वहाँ पे रहता है और वहाँ पे मना करता है इधर आने के लिए, जो जाता है तो मना करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ लोकेशन है, ऊपर इतना ऊपर है देखो, पूरा पहाड़ का अंदर में हम लोग। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं और पूरा हम लोग गए थे वहाँ तक, आप लोगों को भी दिखाए। और यहाँ से अभी हम लोग नीचे जाएंगे और डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं चार्च घर में। चलो कहाँ जाएंगे अभी मोटू? चार्च घर में अभी खाना पीना बाकी है तो वहाँ पे लंच होगा। इधर हम लोग अभी खाने तरफ आ गए हैं, लगा हुआ है और पर अभी खल्ला थोड़ा शॉर्टेज पड़ गया है। हर जगह हम देखें क्या खाना पीना शॉर्टेज होता है, खल्ला शॉर्टेज हो चुका है तो बंदोबस्त हो रहा है। अभी आ चुका है हम लोग के पास अभी खल्ला, ये रहा तो कहीं है वो। तो चलो अभी हम लोग खाने के लिए लाना पड़ेगा अभी। तो आज का यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और सब कोई अपना अपना घर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर अपना अपना गाड़ी में, और इधर हम लोग का ड्राइवर बनने वाला है आज आदि, जो कि हमको लेके जाएगा घर तक। और इधर देखो अपना अपना गाड़ी से सब कोई निकाल ही रहे हैं, इधर भैया लोग जा रहे हैं, उधर टेम्पो गाड़ी से भी जा रहे हैं। और प्रोग्राम खत्म हो चुका है और आज का सब प्रोग्राम अच्छा से ही हुआ। और चलो ये ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इसे कुछ नया नया कहानी के साथ। तो चलो बाय बाय।